हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को शर्ट का फ्लैकेट फ्लैकेट कैसे सिला जाता है, कैसे बनाया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, आपको एक चौड़ा पट्टी लेना है, इसे आप तावीज़ पट्टी भी बोलते हैं और ये कुर्ता में भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें आप पहले प्रेस से या तो पेस्टिंग चिपका लें या बिना पेस्टिंग का आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना चौड़ा आपको रखना है फ्लैकेट, उतना एक बार इसे प्रेस से फोल्ड कीजिए, फिर इसको डबल कीजिए। एक बार करने के बाद डबल फोल्ड करना है बराबर ही, उसके बाद हाफ इंच इसको ऊपर की ओर मोड़ना है, ठीक है। हाफ इंच ऊपर की ओर मोड़े, फिर ये जो हाफ इंच ऊपर वाला मार्जिन है, इसको जो आपको बैक साइड रहेगा उससे यहाँ से यहाँ 2 इंच कट कर ले, और हाफ इंच जितना ये मार्जिन कितना कट करना है, जितना ये मार्जिन आप रखे हैं या इतना आपका मार्जिन है, इससे हाफ कट कर लेना है, इससे इसके बीच में, ठीक है, 2 इंच। उसके बाद एक और आपको लेना है पतला, जितना पतला आप बनाना चाहते हैं उतना पतला एक बार फोल्ड करेंगे, फिर उसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करके इसको इससे हाफ एक मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिलते हैं। ये मेरा बाजू है, शर्ट का बाजू है। इसमें देखिए, एक चौड़ा साइड है, एक चौड़ा है, एक पतला है। ये पतला साइड है, ये बैक साइड होता है, ये चौड़ा साइड है, ये फ्रंट साइड होता है। तो आपको पतला वाला इस पतले वाले में लगाना है, चौड़ा वाला पट्टी इस चौड़े वाले में लगाना है। चलिए हम लोग सिलते हैं। देखिए इसको सिलना कैसे है, ये जो मेरा हाफ इंच वाला जो मार्जिन जो ऊपर मोड़े हैं वो अब इसको अंदर कर देंगे ऐसे, और ये ही नीचे रहेगा इस कपड़े में, ऐसे करके ये इस टाइप का, जितना ये मार्जिन है उतना इसको अंदर करेंगे और इसको इस तरह रख के इस पर स्टिच करेंगे, इसको इसके बराबर, ठीक है, इसके बराबर रख के हाफ इंच या 1/4 जितना आपका मार्जिन हो उतना इसको अंदर करके, और यहाँ पे फिर बिल्कुल सटा के, यहाँ भी हाफ इंच आपको कपड़ा से बाहर होना चाहिए, ये मतलब कपड़ा है जो इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ स्टिच करेंगे, यहाँ से आपको स्टिच करना है, और ये ध्यान रहे ये मेरा सीधा कपड़ा में होना चाहिए, और ये जो प्रेस करके फोल्ड किए हैं ये भी सीधा होना चाहिए, ये भी कपड़ा सीधा और ये भी सीधा। ठीक है, इसको इधर सिल के बाहर निकाल देना है। अब चौड़ा पट्टी लगाते हैं, चौड़ा वाला साइड में चौड़ा पट्टी कैसे लगाना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो भी है मेरा हाफ इंच मार्जिन, ये अब नीचे जाएगा, इसको अंदर कर देंगे, इसको जितना कट है मेरा उसके बराबर इसको रखेंगे, इसका जितना मार्जिन है उतना कपड़े को अंदर करेंगे। अब इसको सिलेंगे कैसे, जहाँ पे मेरा कट है ये जितना कट है वहीं पे स्टिच होगा, यहाँ हाथ रखने से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पैक टैक दे के ऐसे को बिल्कुल सीधा को स्टिच करना है, कोना तक आना है, मतलब एज पे बिल्कुल किनारे, फिर आपको सुई अंदर रखना है और ऐसे कपड़े को घुमा के, फिर आपको देखिए कोना कैसे बनाना है, सबको कन्फ्यूजन नहीं था। अगर ये आपका बराबर नहीं है इसको बराबर कर ले, ठीक है। ये कोना कैसे बनता है, ये देखिए, ये जितना मार्जिन है आपका इसको एकदम इसके बराबर फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको इसके बीच में ये कोना और ये कोना मिला देना है, बिल्कुल आपका बीच हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से कोना बन जाएगा। देखिए मेरा यहाँ कोना अच्छे से बन गया, इसको स्टिच कर देना है। कोने पे आपको सुई अंदर रखना है, फिर कपड़े को ऐसे चाप से उठा के, यहाँ पीछे मेरा नीचे उठाने वाला होता है जो कि मशीन में, आपका छोटा मशीन होगा तो आप यहाँ से उठाने वाला रहता है, तो सुई को अंदर रख के उठा ले, फिर ऐसे चलाएं, कोने को अच्छे से स्टिच कीजिए। फिर यहाँ बिल्कुल सीधा आपको स्टिच करना है, आप इससे डिजाइन बनाने के लिए आप 1/4 में एक और लाइन चला सकते हैं, तो आपको थोड़ा नीचे आना है, 1/4
1/4 मार्जिन रख के अब एक और सिलाई पूरा बिल्कुल बराबर चला सकते हैं। मैंने एक और सिलाई चला लिया हूँ, बिल्कुल एज पे आपको सुई रखना है। अब ये जो मेरा बच रहा है इसको लास्ट में इधर से स्ट्रेट करके, ध्यान रहे ये नीचे वाला कपड़ा अटैच ना हो, मतलब इसमें ना पकड़ा है, इसको सके तो पीछे कर ले आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो। इतना मार्जिन ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ही है, गड्ढे बिल्कुल सीधा रखना है आपको, जितना मार्जिन वहाँ था उतना मार्जिन यहाँ, और आपको अच्छे से बैठा के एज पे बिल्कुल सिल देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया, जितना ये मार्जिन है आपका उसको कट कर ले, थ्रेड को काट ले, प्रेस कर ले, ठीक है, इसको भी काट ले। देखिए ये मेरा फ्लैकेट बन गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको फ्लैकेट बनाने के लिए समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।